मैंने कहा कि अब हलचल तेज है, गाड़ी अब लग चुकी है। देखिए निर्मला सीतारमण की गाड़ी है ये, और अब ये उम्मीद कीजिए कि किसी भी वक्त वो आ सकते हैं। जो गाड़ी आई थी उनको लेकर, वो गाड़ी अब दोबारा से लग चुकी है। एक एक लाइन में सारी गाड़ियां लग गई हैं, क्योंकि मिनिस्टर होंगे साथ साथ, उनके साथ दोनों MOS होंगे जो जाएंगे। तो ये गाड़ी लग चुकी है, अब तस्वीर का इंतजार कीजिए कि किसी भी वक्त निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय से निकल सकती हैं। तो इस बात का इंतजार किया जा रहा है, और उनके पिटारे में आखिर क्या होगा, इस बात का इंतजार और इस बात की जानकारी तो आप लगातार दे ही रहे हैं कि नौजवानों के लिए क्या होगा, किसानों के लिए क्या होगा, गरीब के लिए क्या होगा, मिडिल क्लास के लिए क्या होगा, बिजनेस क्लास के लिए क्या होगा। तो तमाम सारे क्लासेज को उम्मीद है कि उनसे कहीं ना कहीं एक छूट मिलने की उम्मीद होती है। लेकिन देखिए सरकार के पास ये भी बड़ी चुनौती है कि जो अर्थव्यवस्था का जो दौर चल रहा है पूरी दुनिया में, जिस तरह से हाहाकार मचा है, वैसी स्थिति में देश को संभाल कर लेकर भी चलना है और देश के लोगों को राहत भी देना है, चुनाव भी लड़ना है और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी लड़ना है। दोनों चीजें 2024 के चुनाव को देखते हुए भी एक बजट होगा। और ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी डटे रहने के लिए एक बजट होगा, तो तमाम एक बैलेंस्ड बजट मुझे लगता है कि ये होगा। और इस बैलेंस बजट में सबको कुछ ना कुछ मिलने वाला है। हालांकि अभी भी अंतरिम बजट जो अगले साल पेश होगा उसमें बहुत कुछ मिलेगा। देखिए आम तौर पे लोगों की मेमोरी शॉर्ट होती है, नेता भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं, तो जो तत्काल राहत मिलती है उसको लोग जल्द याद करते हैं। अब एक साल पहले जो राहत मिलेगी शायद उसको लोग भूल जाएंगे अगले साल तक, लेकिन तत्काल जब 2024 में जो अंतरिम बजट पेश होगा इसी फरवरी के महीने में, उस वक्त में जो राहत दी जाएगी वो सबसे बड़ी राहत मानी जाएगी। और उस समय सरकार मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा राहत देगी। अभी एक बैलेंस बजट होगा, क्योंकि इकॉनमी को आपको बैलेंस करके चलना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे वो रेलवे हो जिसमें वंदे भारत की बात की जा रही है कि वंदे भारत 300 के आसपास ट्रेनें चलाई जा सकती है, हाइड्रोजन ट्रेन जो नई चीजों को लाके लॉन्च करना है तो हाइड्रोजन ट्रेन को पहली बार लॉन्च किया जा सकता है, सड़क में आपको क्या क्या काम करना है, क्योंकि इस 8-10 साल में इस देश में कमाल का काम हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इस बात को हर कोई मानता है कि रेलवे में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त काम हुआ है, उसको और आगे बढ़ाना है। और क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता है तो उससे इकॉनमी आपकी बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं उस चीज को फोकस किए रखना है। जो थोड़ी सख्ती की गई थी टैक्स पेयर्स को, जो और जो GST का जो सख्ती है उस पर क्या रियायत मिलेगी, जो महंगाई है खासतौर पर जिससे आम आदमी त्रस्त है आज की डेट में, उस महंगाई पर क्या राहत मिलती है सरकार की तरफ से, ये गौर रखने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात बेरोजगारी की है। देखिए जो मुद्दा है, चाहे राहुल गांधी बार बार उठा रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी का, विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है, तो उस मुद्दे को आपको एड्रेस करना होगा। अगर आप देर कर दिए उस मुद्दे को एड्रेस करने में तो ये आपके लिए एक मुसीबत भी हो सकता है, एक परेशानी का सबब भी बन सकता है, क्योंकि 2024 का चुनाव आपको लड़ना है। तो 2024 के चुनाव के लिहाज से भी आपको तैयारी करनी है, और इकोनॉमिक फ्रंट पर अपने को मजबूत बनाए रखने के लिए दुनिया के जो हालात है उसकी स्थिति से उसके हिसाब से भी इस बजट को रखना है। तो तमाम नजरिए से इस बजट को देखा जा सकता है, और इस बजट से उम्मीदें भी हैं और साथ साथ डर भी है कि क्या कोई राहत नहीं मिलेगी, इस बात का डर भी लोगों को है, क्योंकि टैक्स पेयर्स जो हैं वो उम्मीद कर रहे हैं। जैसे अभी एक सुन रहा था बिल्कुल, मैं कि पेट्रोल के कीमत रवि, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये भी है, 24 के पहले 23 भी है, और 23 में जो है वो 9 राज्य भी शामिल हैं, क्या उसकी तरफ भी फोकस होने वाला है। लेकिन पहले अपडेट आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और 11 बजे वो बजट पेश करेंगे। उससे पहले वित्त मंत्रालय वो पहुंच चुकी हैं, वित्त मंत्रालय से कुछ ही देर के बाद निर्मला सीतारमण बाहर निकलने वाली हैं। 1 या 2 मिनट के बाद ये तस्वीर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि 9 बजे का वक्त निर्धारित है जब राष्ट्रपति भवन उन्हें जाना है, और राष्ट्रपति को औपचारिक तौर पर जो है बजट की मंजूरी राष्ट्रपति से उन्हें लेनी है। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।